हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर व्लॉग। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग फ्रॉम डोरूपुरु साइड। और ये डोरू मॉर्निंग में जैसे ही उठा तो काफ़ी ठंड थी, तो मैंने इसको कपड़े पहना दिए और इसको एकदम से लग जाता है आलस। कपड़े पहनने के बाद इसकी हिम्मत नहीं होती कि इधर से उधर भी उठ जाए। सबसे बड़ा आलसी, कपड़े पहनते ही बेहोश। और ये देखो, मैं इसको प्यार कर रही थी, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इसको इतनी नींद आने लग जाती है कपड़े पहन के कि पूछो मत। बस सबसे बेस्ट तरीका होता है, जैसे खा लेता है खाना अपना, या खेल लेता है, या मुझे लगता है कि अब ये स्टार्ट हो जाएगा और फिर रुकेगा नहीं भौंकना, तो बस मैं इसको कपड़े पहनाती हूँ और ये आराम की नींद ले लेता है। और अच्छा भी है इसके लिए, बिकॉज डॉग्स के लिए 15 to 16 आवर्स होना ज़्यादा ज़रूरी होता है इनकी हेल्थ के लिए, इनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी और फिजिकल हेल्थ के लिए भी। और ये जैसे फिर डोरू उठ गया था, और ये देखो उठने के बाद डोरू जब धूप सेकने लगा तो देखो इसके चाहने वाले सामने से बुला रहे थे छोटे छोटे बच्चे, और डोरू को कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो वहाँ से डोरिटो डोरिटो चिल्ला रहे थे, और ये देखो ये अपनी ही जगह सूंघने में बिजी था। और आज मेरे घर पे मुझसे मिलने के लिए आए थे मेरे फेवरेट सर, सुधीर सर। मैंने उनके साथ आई थिंक 2019 या 2018 में काम किया था, काफ़ी साल हो गए। और वो मेरे लिए ये गिफ्ट लेकर आए थे, काफ़ी टाइम बाद मिले, मुझे बहुत खुशी हुई। ज़्यादा देर मैं उनके साथ बैठ नहीं पाई, बट ठीक है, क्योंकि उनको भी मीटिंग वगैरह में जाना था, वो भी बिजी रहते हैं काफ़ी, तो उन्होंने बट प्रॉमिस किया है कि वो मुझे दोबारा मिलेंगे, तो मैं उनको व्लॉग में ले नहीं पाई हूँ। बट हाँ, जब नेक्स्ट टाइम वो मुझे मिलेंगे तो मैं उनको व्लॉग में ज़रूर लूँगी, क्योंकि एक तो वो मुझसे बहुत 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 ज़्यादा सीनियर है, तो मुझे डर भी लगता है बार बार ये बोलने के लिए कि मैं आपको वीडियो में ले लूँ। और जब वो आए थे तो मैंने उनके लिए यही सब मैकेन फटाफट ऐसे तल दिए थे, बिकॉज मेरे को समझ नहीं आ रहा था। इतने सालों बाद, 3 से 4 साल बाद मैं उनसे मिली थी, और यही मैंने उनके लिए तल दिए थे और उन्हें पसंद भी आए थे। मैकेन एज यूजुअल सबको ही अच्छे लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं। और फटाफट ये फ्राई कर दिए थे उनके लिए, और मैंने उनको दिए थे खाने के लिए, उनको अच्छे लगे। हमने काफ़ी बात करी थी, हालांकि 20 से 25 मिनट ही वो रुके थे। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि इतने टाइम बाद मिले और उनके पास टाइम ही नहीं था, बट स्पेशली वो घर मिलने के लिए आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उनके जाने के बाद मैंने और मिट्ठू ने ये ब्रेकफास्ट दोबारा रेडी किया अपने लिए, पूरा प्रॉपर प्लेट रेडी करी, और ये देख रही। उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद, ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रंच ही हो गया था हमारा। फिर मिट्ठू डोरू को उसके बैग में, ये वही बैग है जो हम लोग लेकर जाने वाले हैं, जिसमें डोरू को मतलब एयरलाइंस में, और फिर मिट्टू उसको वेट करवाने के लिए, चेक करवाने के लिए लेकर जा रही थी, बिकॉज़ इसका वेट एयरलाइंस वालों को बताना था, वो ज़रूरी है क्योंकि उनकी कुछ पेट पॉलिसीज़ हैं। और अच्छी बात भी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोगों को फॉलो भी करने चाहिए। और मिट्टू उसको लेकर जा रही थी, बिकॉज हमें कोई भी, हमारे पास वेइंग मशीन नहीं थी, कभी ऐसे ज़रूरत लगी भी नहीं कि रखनी चाहिए। और ये देखो ये डोरू को लेकर जा रही है धीरे धीरे। मैंने इसको बोला था बिल्कुल भी इसे निकालना मत, मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि छोटा सा ही है, और बड़े डॉग्स ऑब्वियसली कई बार तो उसको बिल्ली समझ लेते हैं। उसके बाद मिट्ठू वापस आई और इसका वेट चेक कराने के बाद फिर मिट्ठू लगेज लेकर जा रही थी तीनों, और तीनों कैरी ऑन, तीनों बैग्स लेकर जा रही थी वो, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड अभी गया था 1-2 महीने पहले, तो उसने मुझे गाइड किया था कि अगर तू जाएगी तो प्लीज़ ये अपना बैग्स का वेट चेक कराकर पहले लेकर जाना, क्योंकि वहाँ पर जाके आप बैग खाली करते हो तो ऑब्वियसली एम्बेरसिंग भी होता है, और फिर आप ये सोचते हो आप इसको फेंके या क्या करें। तो इसलिए मिट्ठू पहले एक ई रिक्शा वाले भैया को लेकर आई, और वो भी अच्छे थे, उन्होंने हेल्प कर दी। और मिट्ठू ने पहले बोल दिया कि भैया हम आपको वीडियो में ले रहे हैं, कोई इशू तो नहीं है? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, मैं भी दिखूँगा। फिर उसके बाद मिट्ठू के बाद मैंने थोड़ी मेहनत करी, हालांकि जो मेरे हाथ में स्टिचेस लगे हुए हैं उनकी वजह से मैं वेट कैरी नहीं कर पाती, तो मिट्ठू एकदम से पीछे से चिल्लाई मैम छोड़ दो आपके हाथ फट जाएंगे। मैं कहा व्हाट? तो उसके कहने का मतलब था कि स्टिचेस खुल जाएंगे, हालांकि स्टिचेस नहीं खुलेंगे, बट हाँ मुझे फीलिंग वो आती है कि जैसे एकदम से मैं कुछ हैवी उठा लूँ तो मुझे पेन होना स्टार्ट हो जाता है। टाइम लगता है, जो भी आपके सर्जरी वाला हिस्सा होता है कभी भी पहले जैसा नहीं रहता, तो टाइम लगता है इन सब चीज़ों को रिकवर होने के लिए। और ये देखिए
तीनों लगेज ऐसे रखे थे, और सारा कुछ चेक कराने के बाद मिट्टू जब घर आई, तो मिट्टू और डोरिटो, मिट्टू का तो मुझे समझ में आता है वो इतना ज्यादा थकी हुई थी, डोरिटो कहाँ से थक गया वो अपने वेट चेक कराने में थक गया था। उसके बाद गीता दीदी आई, और ये देखो डोरू को हर जगह से प्यार चाहिए, वो देख रहा था गीता दीदी जा रही है, उसको देख देख कर वो फिर वापस आ रही थी कि ऐसे मत देख। फिर गीता दीदी वापस आई, फिर उसको प्यार करने लगी, और ये भी इतना भाई इसका तो पूछो ही मत, प्यार कराने के लिए सबसे ज्यादा रेडी रहता है। फिर गीता दीदी मुझे बोल रही थी, दीदी इसको गोद में ले लो, मैंने बोला मैं नहीं लूंगी, क्यों लूँ, आप जा क्यों रहे हो, खेलो उसका। फिर गीता दीदी ने एक चालाकी चली, इसको पहले अच्छे से प्यार किया और इसको फटाफट इसकी चीज दे दी, और डोरू खुश। उसके बाद चीज के बाद फिर तू कौन मैं कौन, गीता दीदी ने उसको चीज दी और इसने चीज खानी स्टार्ट करी, उसके बाद गीता दीदी आराम से चली गई और कोई टेंशन नहीं हुई। ये देखो गीता दीदी फटाफट स्पीड में निकल गई। ये देखो उसके बाद रात को मेरे दिमाग में आया कि चलो हाईलाइट करते खुद ही, और मैंने रात के 12:30 बजे ब्लिंकिट से हाईलाइट मंगवाया, हाईलाइट कलर, मैं उसका ब्रांड आपको अभी दिखा दूंगी। और हम खूब नाचे, मैं और मिट्टू खूब नाच रहे थे, मैं कहा आज एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, या तो गंजे हो जाएंगे या तो कलर अच्छा ही हो जाएगा। ये था पैराडाइज का कलर था, ये 716 रुपीज़ का आया। एक्सपेरिमेंट करने के लिए अच्छी चीज़ें मंगाओ तो ज़्यादा बेटर है। और ये देखिए रात के 2:30 बजे हमने एक्सपेरिमेंट किया, इसका जो रिजल्ट है हम आपको अगले व्लॉग में दिखाएंगे। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।